Students of class 4th in maths class, and today we will do exercise 3b. पिछली क्लास में हमने 3b के 5 क्वेश्चंस कर लिए थे. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6. काउंटिंग बाय फाइव्स राइट द नंबर्स बिटवीन. 5 5 काउंट करते हुए ये नंबर्स इसके बीच के लिखने हैं. क्वेश्चन ए. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका 3,34,123 and 3,34,148. तो आपने ये कैसे लिखने हैं काउंटिंग बाय फाइव्स. जैसे ये लास्ट का है, इसमें 5 5 प्लस करने हैं. तो आपका फर्स्ट नंबर बनेगा 3,34,128, फिर 8 में और 5 प्लस करो तो 33 हो गया आपके 133. अब 3,34,133 में 5 प्लस करें, 5 3 और 5 8, तो 38 हो गए. नेक्स्ट 3,34,100, अब 8 में 5 करेंगे, 38 में 5 करेंगे तो 43 143. देन 3,34,143 में 5 प्लस करेंगे तो 48. ये आपका हो गया आंसर. देखो ये 48 आ गया ना, ये आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बी पार्ट है 74,763 and 74,788. इसमें भी आपको 5 5 प्लस करने हैं. इसमें आएगा आपका 74,768. देन 74,708 में से 5 प्लस किए, 8 और 5 मतलब 68 में 5 प्लस करो तो कितना आएगा, 73. देन 74,773 में 5 प्लस करेंगे तो 78. नाउ 74,700, अब 78 में 5 प्लस करेंगे तो आपका आएगा 83. ओके 74,000, अब ये यहीं तक के आएंगे 788, ये आपका ये वाला आ गया. ओके सी पार्ट में भी ऐसे ही करना है आपको. सी पार्ट आपका 43,710 एंड 43,730 लिखिए. 43,710 and 43,730. तो आपको लिखना है इसमें 5 5 प्लस करने हैं. 710 में 5 करेंगे तो 15. 43,700 कितना, 15 में 5 प्लस करेंगे तो 20. 43,700 20 में 5 प्लस करेंगे तो 25. 43,700 5 में तो 30. ठीक है, डी पार्ट भी सेम. इसमें आपको 5,58,765 है. 5,58,765 and 5,58,790 तक है. इसमें भी आपको 5 5 प्लस करने हैं. 5,58,765 में 5 प्लस करोगे तो 70. ठीक है, सेम आपने लिखते जाना है. 58,770 में 5 प्लस करोगे तो 775. 5,58,775 में 5 प्लस करोगे तो 780. 5,58,785. नाउ 5,58,790 आपका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेवेंथ क्वेश्चन में काउंटिंग बाय टेंस एंड राइट द नंबर्स बिटवीन. अब इसमें आपने 10 10 प्लस करने हैं. फर्स्ट ए पार्ट है आपका 54,320 and 54,360. देखो इसमें आपने 54,320 में 10 प्लस करोगे तो 30. फिर 54,330 में 10 प्लस किए
to 40, 54,350 or 54,360. बी पार्ट, इसमें सब में आपने 10 प्लस करना है, 78,921 एंड 78,931, 78,941, 78,951 और 78,951 और 78,961. सी पार्ट है 7,35,434 एंड 7,35,474. देखो इसमें टेंस वाला ही है, टेंस प्लस करने हैं. 7,35,434 में 10 प्लस करोगे तो क्या आएगा आपका, 44,444. 7,35,454. 7,35,464. 7,35,474. डी पार्ट 44,392 and 44,432. अब लिखेंगे 44,300. अब 92 में 10 प्लस करोगे तो 110. देखो मैं आपको इसमें प्लस करके दिखा रही हूँ, यहीं प्लस कर लेते हैं बेटा, मैं ये प्लस करके आपको दिखा रही हूँ. आपका था 44,392, इसमें आपको 10 प्लस करनी है तो 2, यहाँ 2 आएगा, 9 और 1 10, और ये एक 1 चला गया यहाँ कैरी, और 3 और 1 4. ठीक है, 44,402 आपका आंसर आएगा अगर आप इसको 10 प्लस करोगे तो, 402. अब आपको इजी रहेगा 44,000, अब इसमें 10 प्लस करोगे 2 में तो 12,44,412. नो 44,400 10 किए तो 22,44,432. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th क्वेश्चन, काउंटिंग बाय हंड्रेड्स राइट द नंबर्स बिटवीन. हंड्रेड्स में मतलब आपको 100 काउंट करना है. इसमें ए पार्ट आपका 35,400 and 35,900. बेटा इसका मतलब ये होता है कि आपने इसमें 100 प्लस करनी है, तो मैं एक बार आपको 100 प्लस करके दिखा दूँगी. देखो इसमें 100 प्लस किया आपने, 005, तो आप आपको इजी हो जाएगा, 100 प्लेस वाला वो चेंज होता चला जाएगा. अब आपका आएगा 35,500, ओके 35,600 35,700 35,800 और 35,900. ठीक है, बी पार्ट है सेम, आपको 100 में 100 प्लस करने हैं. इसमें आपका 6,25,705 and 6,26,205. अब इसमें 100 प्लस करोगे तो 6,025, 100 वाला चेंज होगा, तो 705 में 100 प्लस करेंगे तो 805. नाउ 6,25,905 हो गया. अब ये 900 में 100 प्लस करेंगे. अब देखो इसमें हम प्लस करके देख लेते हैं, अगर कन्फ्यूज़न है आपको तो आप अलग से प्लस करके भी देख सकते हो. 905 में आपको 100 प्लस करना है, 5, 0, 9 और 1, 10, और यहाँ एक बढ़ जाएगा 6,000. ठीक है, ये आपका आ गया 6,26,005. नेक्स्ट आपको इसी में लिखना है 6,000. अब इसमें 100 प्लस करेंगे तो 105, 6,26,105. सी पार्ट
इसमें भी आपको 100 प्लस करने हैं, 21,354 and 21,854. अब इसमें वंस टेंस 100 वाला ये 3 है तो 3 बदलेगा, 21,000 3 की जगह 454, 21,554, 21,654, 21,754 और 21,854। डी पार्ट है आपका 58,376 and 58,876। इसमें 100 वाली कौन सी प्लेस है, 3 की, तो 58,000 अब 58,476। नेक्स्ट 58,576, नाउ 58,676, 58,776 और 58,876। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 9, काउंटिंग बाय 1000, तो इसमें हमने 1000 प्लेस पे चेंज करना है जब 1000 प्लस करनी है इसमें। तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है 32,544 and 36,544 तक 1000 प्लेस में, तो इसमें 1000 प्लस करना है तो आपका हो जाएगा 33,544, 34,544, 35,544 और फिर 36,544। बी पार्ट आपका 78,366 and 82,366। अब इसमें 1000 प्लेस कौन सा है, 1, 10, 100, 1000, 8, तो ये चेंज होगा आपका, 78,000 है तो आपका आएगा 79,366। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे ये मैंने आपको कहा कि ये 1000 वाले प्लेस का बदलेगा, अब यहाँ 9 आ गया, तो आप इसको अपनी कंफर्मेशन के लिए प्लस करके देख सकते हो, 79,366 में 1000 प्लस कर लो आप, ठीक है, 6, 6, 3, 9 और 1, 10 और ये आपका आ गया 80,366। अब 81,366 और ये आपका 82 वाला तो है ही, 82,366। पार्ट आपका सी, उसमें आपका 5,15,876 and 5,19,876। इसमें 1000 का प्लेस कौन सा है, 1, 10, 100,000, तो ये चेंज होगा आपका 5,16,876, 5,17,876, नाउ 5,18,876, 5,19,876। पार्ट डी 35,896 and 39,896। इसमें 1000 प्लेस कौन सा है, 1, 10, 100,000, तो ये 35 है, ये 5 वाला चेंज होगा, तो इसमें आएगा आपका 36,896, 37,896, 38,896 और 39,896। नाउ है क्वेश्चन 10, कह रहा है ऑब्जर्व द पैटर्न केयरफुली एंड राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स। इसमें ए पार्ट आपका, इसमें देखो 1, 10, 100,000, 10,000, 10,00,000, 10,00,000, इसमें 41,93,758 है, ठीक है। आपको ये लास्ट वाला देखना है, उसने कहा कि पैटर्न को केयरफुली देखो और फिर नेक्स्ट नंबर्स लिखो, यहाँ 58 है तो यहाँ 63 है, 58 में क्या प्लस करें कि 63 आ जाए, बाकी सारा सेम है, 41,93,758
यहाँ तक तो सही है, यहाँ 58 की जगह पे 63 है, तो इसमें 5 प्लस हो रहे हैं, ठीक है। 63 में 5 प्लस करेंगे तो 68। अब हम करेंगे 41,93,700। अब 68 में 5 प्लस करेंगे तो 73। सेम लिखेंगे 41,93,778। 78 कैसे आया, 73 में 5 प्लस कर लिए। अब 41,93,700, अब 78 में 5 प्लस करेंगे तो 83 आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 2,34,585, 2,34,590, 2,34,595। तो ये 5-5 का ही डिफरेंस है, इसमें भी हम लिखेंगे 2,34,595 है, तो ये यहाँ आपका 2,34,000, तो 95 में हम 5 प्लस करेंगे तो 600 आ जाएगा आपका, ठीक है। 2,34,610। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 69 है, ये आपका है 51,34,569, ये आपका 51,34,000, ये 669 है और ये 769, इसका मतलब इसका 100 का प्लेस चेंज हो रहा है, तो इसमें 100 प्लस करने हैं, तो 51,34,000, अब 700 है तो 869, ठीक है। 51,34,000, अब 800 हो गया तो 969। अब 51,34,000 की जगह पे आ जाएगा 30, इसमें हम 100 प्लस करेंगे, तो जैसे 100 प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, इसमें 100 प्लस करेंगे तो 35,069 आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें स्टूडेंट्स इसमें देखो आपका ये 8,97,23,513 है, ये 8,97,24,000 है, यहाँ 23,000 था, यहाँ 24,000 है, 513, यहाँ 8,97,00,000, अब 25,000 हो गई, 513, तो इसका मतलब ये है कि जो 1,000 वाला डिजिट है वो चेंज हो रहा है, तो आप लिखोगे 8,97,00,000, अब 26,513, सेम 8,97,27,513, 8,97,28,513। इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है 3B वो कंप्लीट हो गई है, ये 28,813। स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 3B कंप्लीट हो गी है, आपको ये क्वेश्चन 1 to 10 सारे नोटबुक, मैथ्स की नोटबुक में करने हैं, ठीक है। योर होमवर्क इज़ डू एक्सरसाइज 3B इन योर मैथ्स नोटबुक। थैंक यू।